आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सातवें चरण में 7 मार्च को जौनपुर में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करे। देखिए, जनपद जौनपुर में 7 मार्च को मतदान होना है और लोग बड़ी से बड़ी संख्या में घरों से निकले और मतदान में सहभागी बने, मतदान करें, इसी अपील के साथ हम लोग ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं। आज जो मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस हम लोगों ने निकाली है, वो भी इसी उद्देश्य के साथ निकाला है कि भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करें। पिछले विधानसभा के चुनाव में और अन्य चुनाव में जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत कम टर्नआउट रहा है, 2017 में 60% से नीचे हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा था। इसका मतलब कि अभी बहुत बड़ी आबादी है जो कि मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रही है। तो हम लोगों का ये इस बार लक्ष्य है कि 100% मतदाता घर से बाहर निकलें और अपने प्रत्याशी पसंद हो नापसंद हो, जो भी हो, नोटा का भी ऑप्शन उनको बताया जा रहा है, वो अपने मतदान का प्रयोग करें। लोकतंत्र में ये जो महत्वपूर्ण अधिकार उनको दिया गया है। वहीं बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्गों के लोगों से संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। पुलिस को सीएम के कार्यक्रम की सूचना मुख्यालय से दी गई थी और इस दौरान पुलिस लाइन में हेलीपैड तैयार करवाया गया। मौसम की ने करवट बदली तो मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद और मेरठ हाईवे से जनपद में प्रवेश किया। पुलिस ने मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। वहीं डीएम और एसएसपी ने पुलिस लाइन और निकुंज में तैयारियों का जायजा भी लिया। आज क्योंकि चुनाव का माहौल है, 10 फरवरी को बुलंदशहर में मतदान होना है, उसी योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज बुलंदशहर विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ में, व्यापारीगण, अधिवक्तागण, अध्यापकगण, प्रोफेसरगण और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, सभी वर्गों के साथ में संवाद करने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से 2017 में, 19 में, 14 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं पर बहुमत के साथ में कमल का फूल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाने में योगदान प्रदेश और देश में दिया था, आने वाली 10 फरवरी को भी भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में 7 विधानसभाओं पर मतदान होकर 7 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। अगली खबर महोबा से है, जहां पर रेलवे पुलिस बल की अवैध वसूली से परेशान ऑटो चालक रेलवे स्टेशन के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। ऑटो चालकों की हड़ताल से ट्रेन से आने वाले यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि सुविधा आरपीएफ द्वारा प्रति ऑटो 600 रुपए महीने सुविधा शुल्क मांग की जा रही है। रुपए ना देने पर उन्हें नाजायज परेशान भी किया जाता है। क्या कहां से आए हैं भैया, क्या नाम है? मैं जम्मू से आया हूं, देवी से राजपुर में जम्मू से आया हूं, वाया और झांसी टू मोहरा। ये यहां क्या समस्या है? अब ये सड़क पे खड़े हैं, दो बैग मैंने भेज चुके हैं यहां से। समस्या ये कि जो हमेशा आज के कम से कम 30 साल से जो सुविधाएँ चल रही थी, आज फिर भी कोई सुविधा नहीं है। मतलब ये चल रहा है, क्या दिक्कत हुई है? अगर दिक्कत है जीआरपी पुलिस अगर उनसे पैसा मांग रही है, आरपीएफ वाले कुछ कर रहे हैं, तो उसके बीच समाधान होना चाहिए। ये रेलवे स्टेशन आज का तो नहीं है। रेलवे स्टेशन को सन कम से कम 30 साल 40 साल हम तो जब से जन्म हुआ तब से ये रेलवे स्टेशन है। इनको रेलवे स्टेशन जो प्रोवाइड कराए स्टेशन मास्टर का कोई भी करे, कोई सुविधा जो इनको हो रही है तो उनकी सुविधा हो, जनता जनता ही परेशान हो रही है। तो यहाँ आने जाने के लिए कोई ऑटो या कोई वाहन आपको स्टेशन कोई नहीं मिल रहा? अभी हम लोग परेशान है, वहाँ से आते यहाँ तक आ गए, इसके बाद में यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। सर क्या समस्या है? ऑटो रिक्शा वाले धरने पे हैं, लोगों को समस्याएं हो रही, यात्रियों को क्या वजह हुई है? कोई ऐसी समस्या नहीं, हमें कुछ कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं वो खाली बैठ रहते हैं, बिना ट्रेनों के बाद भी बैठ रहते हैं। और एक दो महिलाओं ने यहाँ मुझे शिकायत किया था कि वहाँ से वो तंज कसते हैं, और जाकर देखा तो अव्यवस्थित खड़े रहते हैं, पूरा रास्ता रोके रहते हैं, और ट्रेन रहने ना रहने पर भी वो 24 घंटे खड़े रहते हैं,
जो कि उनको कहा गया कि आप एक व्यवस्थित ढंग से रहिए, ट्रेन आने से 15 मिनट पहले आइए, यात्रियों को ले जाइए और यात्रियों को वहाँ से ला के यहाँ खड़ा कीजिए बस। और अगर वृद्ध यात्री है, विकलांग यात्री है, आप उन्हें प्लेटफॉर्म तक भी छोड़ सकते हैं। इसी बात के लिए उनको कहा गया, पता नहीं क्यों आक्रोशित हो गए वो लोग। अच्छा सर, तो लोगों को, यात्रियों को समस्याएं हो रही हैं, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए? हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये है कि वो लोग थोड़ा सा इस बात को समझे कि यहाँ अगर ट्रेन नहीं है 4 घंटे तक, तो उनको रहने का क्या कारण है ये भी बताना चाहिए। और यही बात भी उनको लेकर अड़े हुए हैं कि हम लोग 24 घंटे खड़े रहेंगे और हम चाह रहे हैं कि वो ट्रेन आने पर आए और यात्रियों को लेकर चले जाए, लेकिन इस समस्या का समाधान हम बातचीत करके निकाल लेंगे। वहीं फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में मिले मृत गायों के जखीरे के बाद से वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो वहीं इस मामले में खबर चलाने के बाद कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ठेकेदार करजन और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें 2 सवाल खड़े हो रहे हैं, या तो सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से नहीं निभा रहे हैं, या फिर सब कुछ मिली भगत से इस गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे हुए थे। इसके बारे में वन विभाग के दफ्तर और जिला वन अधिकारी से उनके विभाग के अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ये मामला बीते कल ही उनके संज्ञान में आया है, इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्बू ने मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक कमेटी का गठन कर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। मुझे इस बारे में सूचना कल मिली थी, तो उसके बारे में मैंने स्टाफ को डायरेक्शन इश्यू कर दिया था कि इसमें सारी जांच करके मेरे को रिपोर्ट सबमिट करें, तो जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी उन पर हम कार्रवाई करवा देंगे। अब बट हमारे पास ऐसी कोई भी परमिशन टाइप से नहीं है कि इस टाइप से ये लाइन इसको यूज इस टाइप से कर सकते हैं। अभी कोई जानकारी मिल पाई कब से ये लोग कर रहे थे इस काम को वहाँ पर? नहीं, अभी मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं आई, जानकारी किसी सोशल एक्टिविस्ट ने मुझे कल दी थी, तो उसके बेसिस पे मैंने डायरेक्शन इश्यू की थी इसकी इंक्वायरी की, बट अभी मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो सर, संबंधित जो इंस्पेक्टर या जिसकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई हुई होगी, फॉरेस्ट गार्ड भी होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में ये गायों का जखीरा मिला वहाँ मृतों का, तो एक दिन में तो इकट्ठा हुआ नहीं है, तो जिसकी ड्यूटी लग रही है जो इंस्पेक्टर होगा या फॉरेस्ट गार्ड होगा उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इतने नंबर, इतनी संख्या में अगर है तो हम उनको नोटिस इश्यू करेंगे, वो अपना जवाब देंगे कि क्यों उनकी कोताही, कर्तव्य में कोताही हुई है। अगर वो संतोषजनक नहीं पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर एक्चुअल में ये इतने नंबर में जो आप बता रहे हैं वो है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस और स्वाट टीम को संयुक्त रूप से भारी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 26 तमंचे निर्मित और 4 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। बरामदगी के दौरान 2 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी किया है। एक शस्त्र, अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये पहली बार गिरफ्तार हुए हैं और इनसे 26 तमंचे और 4 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। ढेर सारा नाल, फुकनी और इसके उपकरण जो बनाने के होते हैं वो बरामद हुए हैं। निश्चित तौर पे ये इनका प्रयास था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी पैदा करें। ये लोगों को सेल कर रहे थे, 3,000 से लेकर 4,000 तक रुपए में एक एक इनका सेल करने का प्रोग्राम था। ये तस्करी करते, इन तस्करों को, इनको जो शस्त्र तस्कर हैं इनको पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर देर रात शराब न पीने पर रिश्तेदारों ने गांव के बाहर उन्हें ले गए और काफी देर तक लौटने के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि पास के विद्यालय में लहूलुहान स्थिति में युवक बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने उसे बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ गंभीर हालत में उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर छावनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि अवैध शराब निर्मित करवाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष छावनी ने संदलपुर गांव के मांझा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने अचानक छापेमारी से अवैध शराब निर्मित करने वाले अभियुक्तों में हड़कंप मच गया।
वहीं बलिया में दुकान की चाबी देने के बाद बच्चा घर के गेट से गायब हो गया है। वहीं व्यापार मंडल का इस पूरे मामले पर कहना है कि दो दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि 20 तारीख को दुकान बंद करने के बाद लड़का घर आया था और चाबी देने के बाद वो कहीं चला गया है। उसके बाद से लगातार मामले की जांच पड़ताल जारी है। तरह का कोई क्लू न मिलने के वजह से अब पुनः हम लोग संपर्क बनाए चौकी सिकंदरपुर पर, उसके बाद वहाँ रिटर्न देने के बाद FIR हमारा लार्ज होकर अपहरण का 363 का मुकदमा लार्ज हो गया है। उसके तहत पुलिस और अन्य विभाग के लोग इस कार्रवाई में लग गए। तीसरे दिन होने के बावजूद भी क्या पुलिस अब तक CCTV कैमरे खंगाल पाई है या नहीं? जहाँ तक मुझे बताया गया कि CCTV कैमरा प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में जो जो संबंधित क्षेत्र जहाँ से लड़का निकला है, निकलने के बाद जो जो रोड क्रॉस करती हैं, जो जो रोड आती हैं, वहाँ उन लोगों ने अपने माध्यम से खंगालने का काम किया और कर रहे हैं। अब इतने दिन घंटे बीतने के बाद क्या पुलिस को हाथ लगी? देखिए, अब तक पुलिस तो हाथ पाँव मार रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। अब सार्थक परिणाम न आने की वजह से हम आज दिन भर इंतजार करेंगे। जो व्यापार मंडल और नगर के व्यक्तियों का विचार है, नगर के सभी व्यवसायी वर्ग का विचार है। वही है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये जो 20 तारीख को लगभग 19 बजे की बात है, एक कृष्णचंद का बच्चा जो है, कैलाश सोनी, लगभग उम्र 12 वर्ष बताया जा रहा है, बताया कि ये दुकान बंद करके और घर पे चाबी दे करके कहीं चला गया है। उसी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। जैसा कि कुछ लोगों से लोकेशन भी मिल रहा है कि यहाँ पर बाइक सवार ऐसे दो आदमी आए और करके चले गए हैं, तो पुलिस उसी की छानबीन में है। और जैसे ही ये लोकेशन मिलता है, जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। सर, क्या बच्चे को जबरदस्ती बैठाया गया या बच्चे अचानक अपने आप बैठ गए? नहीं नहीं, जैसा बताना है इनका कि कोई इसका नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा जब कहीं इस तरीके बता रहा है कि नहीं अपने आप जाता आता था, तो ज़रूर कोई इसका खास होगा जो बच्चे से परिचित होगा। आइए, पुलिस पूरी इस पर हर प्रकार से छानबीन कर रही है कि जैसे ही इसका लोकेशन मिलेगा इसको। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पेट्रोल पंप के शौचालय में युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त ढिल्लू चौहान के रूप में की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने पेट्रोल पंप मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया। पेट्रोल पंप पे यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। ऐसा था कि मतलब परिवार वालों का उनका कहना है कि ये हत्या हुई होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। और परिवार के लोग और भी जो है यहाँ पे लोग जो है चक्का जाम कर दिए थे, तो अभी समझा बुझा के जो है सड़क के यातायात जो है चालू करवा दिया गया है, ताकि जाम वाली स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। बाकी आगे की मतलब कार्रवाई की जा रही है, जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। वही अमेठी में हल्की बारिश होने से घर की जर्जर छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें बड़ा हादसा होते होते बचा। जर्जर छत के नीचे काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। मलबा गिरने से कई कंप्यूटर और जरूरी कागजात भी मलबे के नीचे दब गए हैं। किस पोस्ट में हैं आप? मेरा नाम है अरविंद कुमार मिश्रा, पोस्ट मास्टर गौरी। क्या हुआ अभी? एक कर्मचारी काम कर रहे थे, एक छत नीचे गिर गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।